डन। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं रवि राजपूत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप सभी की स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं करंट अफेयर का एक नया सेशन लेकर के आया हूं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो भारत का मंत्रिमंडल है ना बच्चों, वो क्या है, यानी कि भारत में किसके पास कौन सा मंत्रालय है या फिर कौन सा मंत्री जो है वो उसके पास कौन सा मंत्रालय होगा। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में प्यारे बच्चों मंत्रालय से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, भाई कौन सा मंत्रालय किसके पास है। ठीक है, जैसे मान लो रेलवे, सीएचएस, चलिए सेंटर के एग्जाम में प्यारे बच्चों ये बहुत बार क्वेश्चन जो है वो देखे भी गए हैं। तो आपका सीईटी एग्जाम हो हरियाणा का, या फिर किसी भी अदर स्टेट का एग्जाम हो या सेंटर का एग्जाम हो, तो वहां पर प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन जो है वो बड़े जरूरी होंगे। तो प्यारे बच्चों आप सभी इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से कर लीजिएगा और इनको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस वीडियोस है ना प्यारे बच्चों, वो सारी की सारी आप लोग देख लेना क्योंकि उसमें मैंने बेहतरीन जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के करवाए हैं, और वो भी डिटेल के साथ में, यानी कि हर एक क्वेश्चन को डिटेल से प्यारे बच्चों मैंने करवाया है ताकि आप सभी के लगभग डाउट भी क्लियर हो जाए और वो सारी चीजें आपको याद भी हो जाए। और वो सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन बच्चों जितने भी आपके आगे होने वाले एग्जाम है उन सब में बड़े जरूरी हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो आज हम लोग करने वाले हैं कि भारत का मंत्रिमंडल, तो इन सभी को दोस्तों अच्छे तरीके से समझ भी लेना साथ के साथ में। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों अपने पास आते हैं नरेंद्र मोदी साहब। कौन है? नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, भारत के जो प्रधानमंत्री रहेंगे बच्चों, कौन है? नरेंद्र मोदी साहब। अब नरेंद्र मोदी साहब की खास बात क्या क्या है बच्चों, याद रखना, नरेंद्र मोदी साहब ना 2014 से लेकर अब तक क्या रहेंगे प्यारे बच्चों, अब तक यानी कि प्रधानमंत्री, लगातार दूसरी बार ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, कौन? नरेंद्र मोदी। इनका संबंध प्यारे बच्चों कहां से है? इनका संबंध जो है वो गुजरात से है। ठीक है, इनका संबंध कहां से प्यारे बच्चों? इनका संबंध जो है वो गुजरात से है। ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों इनका संबंध कहां से हो जाएगा? गुजरात से। अच्छा, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है बच्चों? यही है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री बच्चों कौन है? तो याद रखना 1950 में इनका जन्म हुआ था। कौन है बच्चों? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी साहब हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले जो पहले प्रधानमंत्री बच्चों कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था प्यारे बच्चों। कब हुआ इनका जन्म? 17 सितंबर 1950 को इनको जन्म हुआ था। ठीक है, याद कर लेना नरेंद्र मोदी प्यारे बच्चों। और 2001 से लेकर के 2014 तक, यानी कि लगातार चार बार बच्चों क्या रहे? गुजरात के सीएम रहे। लगातार चार बार बच्चों क्या रहे? गुजरात के सीएम। ठीक है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, लगातार चार बार जो है ये गुजरात के सीएम रहे थे 2001 से लेकर के 2014 के बीच का जो टाइम पीरियड है, नरेंद्र दामोदर मोदी। ठीक है, क्या बच्चों? नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम हो जाएगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, और ये प्यारे बच्चों इनके पिताजी थे, पहले क्या चाय बेचने का काम करते थे। ठीक है, फिर उन्होंने खुद भी चाय बेची और उसके बाद में प्यारे बच्चों इन्होंने क्या किया, अपना जो है आरएसएस को ज्वाइन किया और उसके बाद में प्यारे बच्चों गुजरात के सीएम बने और प्रेजेंट टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री है। कौन? नरेंद्र मोदी। अच्छा, इनसे कोई और क्वेश्चन बन सकता है क्या? जैसे मान लो इन्होंने पूछा कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो याद रखना प्यारे बच्चों वो आपके नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अच्छा, 26 मई 2014 से लेकर के अब तक प्यारे बच्चों क्या रहेंगे? दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री है लगातार। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इनकी पार्टी कौन सी प्यारे बच्चों? भारतीय जनता पार्टी। कौन सी पार्टी है प्यारे बच्चों? भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। ठीक है, कौन सी पार्टी हो जाएगी बच्चों? बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी आपका हो जाएगा। कमल का फूल इसका निशान हो जाएगा बच्चों। कौन सा चुनाव चिन्ह? कमल का फूल। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला बच्चों क्या आता है? अमित शाह। अमित शाह क्या है प्यारे बच्चों? भारत के गृह मंत्री। ठीक है, अमित शाह क्या है प्यारे बच्चों? भारत के गृह मंत्री हो जाएंगे 2019 के अंदर। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ? 1964 में। इनका जन्म जो है वो 22 अक्टूबर 1964 को इनको जन्म होता है बच्चों। कब होता है? 22 अक्टूबर 1964 को इनका जन्म होगा। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या किया कि 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार में, 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार में क्या बने प्यारे बच्चों? इनके पास में गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय आ गया प्यारे बच्चों? इनके पास में गृह मंत्रालय आ गया। और इन्होंने सबसे बड़े
इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया। कौन सा प्यारे बच्चों? 370 धारा जो है वो हटा दिया गया। किनके द्वारा प्यारे बच्चों? अमित शाह के द्वारा यही प्रस्ताव पारित, मतलब कि लाया गया था। कौन सा? मोदी सरकार के अंदर, ठीक है, नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर। इनके पास कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के दौरान जब इन्हें मिला तो इन्होंने क्या किया बच्चों? सबसे पहले धारा 370 यानी कि जम्मू कश्मीर की धारा नंबर 370 को हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये काम किसने किया? अमित शाह। तो अमित शाह के पास में प्यारे बच्चों कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय हो जाएगा। अच्छा, राजनाथ सिंह, इनके पास कौन सा बच्चों? गृह मंत्रालय है। और ये 2014 में, ठीक है, इनके पास में कौन सा, सॉरी, रक्षा मंत्रालय प्रेजेंट टाइम पे। गृह 2014 में बच्चों इनके पास कौन सा था? गृह मंत्रालय, ठीक है। यानी कि पूर्व गृह मंत्री भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको? पूर्व गृह मंत्री जो है बच्चों कौन है? राजनाथ सिंह। पूर्व गृह मंत्री जो है वो कौन रहेंगे पहले बच्चों? राजनाथ सिंह हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, राजनाथ सिंह के पास में कौन सा हो जाएगा? अभी फिलहाल में इनके पास जो है वो रक्षा मंत्रालय है, ठीक है। कौन सा मंत्रालय है पहले बच्चों? इनके पास में रक्षा मंत्रालय है। और इनका जन्म 10 जुलाई 1951 को हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ पहले बच्चों? 10 जुलाई 1951 को इनका जन्म हुआ था। याद रखना कब हुआ पहले बच्चों? 10 जुलाई 1951 को। लखनऊ से सांसद है प्यारे बच्चों। कहां से? लखनऊ से सांसद है। कहां से सांसद है प्यारे बच्चों? लखनऊ से। और पूर्व गृह मंत्री भी कौन थे आपके? राजनाथ सिंह। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में इनके पास में गृह मंत्रालय था। और दो क्योंकि अब गृह मंत्रालय में अमित शाह के पास में है, तो अब इनको कौन सा मंत्रालय मिल गया प्यारे बच्चों? रक्षा मंत्रालय मिल गया, ठीक है। कौन सा मंत्रालय मिला? रक्षा मंत्रालय। अच्छा, नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी प्यारे बच्चों, नितिन जयराम गडकरी है ना प्यारे बच्चों, याद रखना इनका जो जन्म है वो 27 मई 1957 को हुआ था बच्चों। इनका जन्म कहां हुआ? 27 मई 1957 को नागपुर में। 27 मई 1957 को इनका जन्म जो है वो नागपुर में हुआ। और इनका जो सांसद बच्चों, ये सांसद भी कहां से? ये नागपुर से ही सांसद है, ठीक है। ये सांसद भी कहां से प्यारे बच्चों? ये नागपुर से ही सांसद है। कौन बच्चों? याद रखना आपके नितिन गडकरी। इनके पास में कौन सा मंत्रालय? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? ये नितिन गडकरी साहब हो जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमने बात किया नरेंद्र मोदी साहब के बारे में। नरेंद्र मोदी प्यारे बच्चों देश के पहले आपके प्रधानमंत्री है। 2014 से लेकर के 2021 बच्चों आपका जो टाइम है अभी भी आगे चल प्यारे बच्चों, कौन है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार दो बार बन रहे हैं, ठीक है, 2014 फिर 2019 में। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। 1950 में सितंबर बच्चों 17 सितंबर को इनका जन्म हुआ था। नरेंद्र दामोदर मंदिर इनका पूरा नाम हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रखा बच्चों, पहले आरएसएस ज्वाइन किया था। कौन सा प्यारे बच्चों? आरएसएस, ठीक है। 2001 से 2014 लगातार 4 बार गुजरात के सीएम रहे बच्चों। कितनी बार? लगातार 4 बार गुजरात के सीएम रहे। अमित शाह प्यारे बच्चों गृह मंत्री है। 22 अक्टूबर 1964 को इनका जन्म होता है। और नरेंद्र मोदी सरकार में बच्चों क्या बनते हैं? गृह मंत्रालय। जैसे ही गृह मंत्री बनते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की 370 को हटा देते हैं, ठीक है। राजनाथ सिंह बच्चों पूर्व गृह मंत्री, यानी कि पहले 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर ही इनके पास में कौन सा मंत्रालय था? आपके पास, इनके पास था गृह मंत्रालय। प्रेजेंट टाइम पे बच्चों राजनाथ सिंह के पास में कौन सा मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय। इनके रक्षा मंत्री कौन है बच्चों? राजनाथ सिंह हो जाएंगे, ठीक है। 10 जुलाई 1951 को इनका जन्म हुआ था। और लखनऊ से सांसद है। अच्छा, नितिन जयराम गडकरी बच्चों सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है। नागपुर से सांसद है। और इनका जन्म 27 मई 1957 को हुआ था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो जाएंगे देश के, अमित शाह बच्चों गृह मंत्री हो जाएंगे, राजनाथ सिंह बच्चों रक्षा मंत्री हो जाएंगे, नितिन जयराम गडकरी बच्चों परिवहन का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, ठीक है, हो जाएगा बच्चों। आगे देखो, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, सुनना आगे बच्चों। श्रीमती निर्मला सीतारमण, अब श्रीमती निर्मला सीतारमण बच्चों कौन है? वित्त मंत्री है और कॉरपोरेट कार्य मंत्री है, ठीक है। कौन सा बच्चों? वित्त मंत्रालय किसके पास में? निर्मला सीतारमण के पास में, ठीक है। वित्त मंत्रालय किसके पास में बच्चों? इनके पास में, आपका याद रखना वित्त मंत्रालय रहेगा। अच्छा, ये ना इनके पास में 2017 से लेकर के 2019 के बीच में कौन सा मंत्रालय था बच्चों? रक्षा मंत्रालय था। कौन सा? रक्षा मंत्रालय था इनके। यानी कि पूर्व रक्षा मंत्री कौन थी प्यारे बच्चों? निर्मला सीतारमण। क्या थी बच्चों? पूर्व रक्षा मंत्री। तो पूर्व रक्षा मंत्री बच्चों कौन थी? निर्मला सीतारमण थी। और प्रेजेंट टाइम पे प्यारे बच्चों के पास में कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय। कौन सा हो जाए प्यारे बच्चों? वित्त मंत्रालय जो है प्रेजेंट टाइम पे किसके पास में है वो याद रखना बच्चों, निर्मला सीतारमण के पास में हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या था बच्चों? पूर्व रक्षा मंत्री, इनके 2017 से लेकर 2019 के बीच में इनके पास में कौन सा मंत्रालय था प्यारे बच्चों? ये था आपका रक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण हो जाएगा, ठीक है। और पहले कौन सा मंत्रालय था? रक्षा मंत्रालय इनके पास में था।
अच्छा डीवी सदानंद, ये सदानंद गोड़ा, लेकिन प्रेजेंट टाइप पे डीवी सदानंद गोड़ा नहीं है, पहले थे। क्या बच्चों? पहले थे ये, लेकिन अभी कौन है? अब है मनसुख मांडविया। कौन है प्यारे बच्चों? वर्तमान में कौन है? वर्तमान में प्यारे बच्चों याद रखना, वर्तमान में जो है वो कौन है? मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया। तो मनसुख मांडविया प्यारे बच्चों एक तो याद रखना, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के पास में, कौन सा? स्वास्थ्य मंत्रालय। तो स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मांडविया के पास में है, और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी किसके पास है बच्चों? मनसुख मांडविया के पास में है, ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखनी, पहले किसके पास था? डीवी सदानंद गोड़ा के पास था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो है बच्चों कौन है? वर्तमान में मनसुख मांडविया हो जाएगा, ठीक है। कौन है प्यारे बच्चों? याद रखना मनसुख मांडविया। तो मनसुख मांडविया के पास में प्यारे बच्चों एक तो स्वास्थ्य मंत्रालय है, और दूसरा कौन सा? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ठीक है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी किसके पास में है? आपके इनके पास में। कौन हो जाएगा बच्चों? नाम क्या है? मनसुख मांडविया। ये बात आपको याद रखनी है, हो जाएगा बच्चों। उसके बाद में देखो नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास में कौन सा मंत्रालय है? कृषि एवं पशुपालन मंत्रालय। कौन सा प्यारे बच्चों? कृषि एवं पशुपालन मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एस जयशंकर, क्या बच्चों? कई जगह इनको एस जयशंकर मिला था, लेकिन यहाँ पे पूरा नाम लिखा हुआ इनका, क्या? सुब्रमण्यम जयशंकर। कौन सा बच्चों? विदेश मंत्रालय इनके पास में। कौन सा? विदेश मंत्रालय। तो एस सुब्रमण्यम जो है बच्चों आपका जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। कौन सा मंत्रालय बच्चों? विदेश मंत्रालय। नरेंद्र सिंह तोमर के पास में कौन सा बच्चों? कृषि एवं पशुपालन मंत्रालय। मनसुख मांडविया इनके पास में कौन सा बच्चों? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय बच्चों, दोनों किसके पास में? मनसुख मांडविया के पास में। डीवी सदानंद देवगुड़ा बच्चों गलत है, नहीं है, क्योंकि इनके पास में पहले था, वर्तमान में किसके पास में बच्चों? ये मनसुख मांडविया के पास में, लेकिन मनसुख मांडविया से पहले किसके पास में थे ये मंत्रालय? तो वो डीवी सदानंद गोड़ा था, लेकिन वर्तमान में कौन हो जाएगा बच्चों? मनसुख मांडविया। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और निर्मला सीतारमन के पास बच्चों क्या है? पहले था रक्षा मंत्रालय, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे इनके पास में कौन सा है? वित्त मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। कौन सा मंत्रालय मेरे प्यारे बच्चों? वित्त मंत्रालय जो है प्रेजेंट टाइम पे इनके पास में हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक शायद समझ में आ चुका होगा आप सभी को। अब चलते हैं आगे। अगर प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना, तो इस प्लेटफॉर्म को प्यारे बच्चों शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चे यहां से जुड़ सकें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, तो प्यारे बच्चों आप इसको शेयर भी जो है वो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना प्यारे बच्चों, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना बच्चों। टेलीग्राम ग्रुप बच्चों क्या हो जाएगा वो? क्या? जीके विद रवि राजपूत सर के नाम से मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जीके विद रवि राजपूत सर के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और जितनी भी प्यारे बच्चों हमारी क्लास होती है करंट की, उन सब की पीडीएफ या उनके क्लास नोट्स जो है वो सारे के सारे बच्चों इसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और भी बेहतर कंटेंट, यानी कि और भी बहुत सारी चीजें बच्चों इसी टेलीग्राम ग्रुप में बच्चों आप सभी को जो है करवाया जाता है, ठीक है। जीके विद रवि राजपूत सर के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा प्यारे बच्चों, आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, श्री अर्जुन मुंडा, ठीक है। अब अर्जुन मुंडा के पास में कौन सा मंत्रालय बच्चों? जनजातीय कार्य मंत्रालय, ठीक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय किसके पास में? अर्जुन मुंडा के पास में। एस जयशंकर के पास में कौन सा बच्चों? विदेश मंत्रालय, यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर। कौन सा मंत्रालय हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसके पास हो जाएगा बच्चों कौन सा? विदेश मंत्रालय, ठीक है। कौन सा मंत्रालय? विदेश मंत्रालय जो है इनके पास में हो जाएगा। इसके बाद में देखो बच्चों, थैंक यू सर, इसके बाद में देखो बच्चों आगे, इसके आगे क्या होता है? चलो देखो बच्चों, अब इसके आगे देखते हैं बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है ना? चलो देखो भाई आगे क्या है बच्चों, आगे दे रखा है स्मृति जुबिन, अरे यार ये क्या हो जाए बच्चों, स्मृति ईरानी लिख लो इसको, ठीक है। आपके पास में क्या है? स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी के पास में कौन सा मंत्रालय प्यारे बच्चों? स्मृति ईरानी के पास में जो मंत्रालय है वो कौन सा है? तो स्मृति ईरानी, ठीक है। तो इनके पास में मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो किसके पास रहेगा? स्मृति ईरानी के पास रहेगा प्यारे बच्चों। किसके पास रहेगा? स्मृति ईरानी के पास, ठीक है। पीयूष गोयल, इनके पास में कौन सा मंत्रालय बच्चों? वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोग और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं कपड़ा मंत्रालय, ठीक है। यानी कि वाणिज्य का उद्योग मंत्रालय, उपभोग खाद्य एवं
सार्वजनिक वितरण व कपड़ा मंत्रालय किसके पास में होगा प्यारे बच्चों, पीयूष गोयल के पास में, ठीक है, किसके पास में, पीयूष गोयल के पास में। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय बच्चों, कौन सा, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय किसके पास होगा प्यारे बच्चों, धर्मेंद्र प्रधान के पास होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धर्मेंद्र प्रधान वाला। अच्छा, स्मृति ईरानी के पास में कौन सा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों किसके पास में है, स्मृति ईरानी के पास में रहेगा, ठीक है, किसके पास में रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, स्मृति ईरानी के पास में रहेगा। पीयूष गोयल, पीयूष गोयल के पास में बच्चों क्या रहेगा, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोग खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं कपड़ा मंत्रालय किसके पास में रहेगा प्यारे बच्चों, पीयूष गोयल के पास में रहेगा, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान, अब धर्मेंद्र प्रधान के पास में कौन कौन से मंत्रालय अभी आपको बताया, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय किसके पास में होगा, धर्मेंद्र प्रधान के पास में रहेगा, ठीक है। चलो बच्चों अब देखते हैं आगे की तरफ, आगे देखते हैं बच्चों कौन सा क्वेश्चन जो है तुम्हारे लिए बनता है। देखो यहां से देखो बच्चों कौन कौन से मंत्री और मंत्रालय हैं, प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी के पास बच्चों कौन सा मंत्रालय हो जाएगा, संसदीय कोयला एवं खान मंत्रालय, ठीक है, संसदीय कोयला एवं खान मंत्रालय किसके पास में रहेगा प्यारे बच्चों, प्रहलाद जोशी के पास में रहेगा, ठीक है। नारायण दात्र राणी, राणी होगा प्यारे बच्चों, नारायण तात्र जो राणी है इनके पास में सूक्ष्म जल एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, ठीक है, सूक्ष्म जल एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है बच्चों किसके पास में रहेगा, ये नारायण राणी के पास में रहेगा, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल बच्चों, सर्बानंद सोनोवाल के पास में प्यारे बच्चों क्या रहेगा, आयुर्वेद योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद मंत्रालय, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सालय मंत्रालय, और प्यारे बच्चों यूनानी सीधा होम्योपैथिक और आयुष मंत्रालय किसके पास में रहेगा प्यारे बच्चों, सर्बानंद सोनोवाल के पास में रहेगा, ठीक है। कौन सा बच्चों मेन है इसमें, कौन सा, आयुर्वेद मंत्रालय, कौन सा बच्चों, और आयुष मंत्रालय, ठीक है, मेन ये, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, ठीक है, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय भी किसके पास है प्यारे बच्चों, ये भी सर्वनाथ सोनेवाल के पास है। इंटरनेशनल योग अकादमी, ठीक है बच्चों, कौन सा, यहां से बच्चों मैंने आपको पहले भी करंट का क्वेश्चन बताया था, हार्ट फुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी, कौन सी प्यारे बच्चों, इंटरनेशनल योगा अकादमी अकेडमी, ठीक है, योगा एकेडमी कहां पर खोली गई है, एकेडमी, और वो भी बच्चों सर्बानंद सोनेवाल जिनके पास आयुष मंत्रालय है इनके द्वारा आधारशिला जो है वो रखी गई है। तो प्यारे बच्चों ये रखी गई थी हैदराबाद में, याद है ना, कहां रखी गई थी मेरे प्यारे बच्चों, ये रखी गई थी हैदराबाद के अंदर। तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय कौन है प्यारे बच्चों, केंद्रीय आयुष मंत्रालय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी की आधारशिला रखी थी बच्चों, कहां पर, हैदराबाद के अंदर रखी थी बच्चों, कहां पर, हैदराबाद के अंदर, ठीक है। तो प्रहलाद जोशी के पास में कौन सा मंत्रालय बच्चों, संसदीय मंत्रालय, कोयला एवं खान मंत्रालय, ठीक है। नारायण तात्र राणे सूक्ष्म जल एवं मध्यम उद्यम मंत्री बच्चों कौन है, आपके नारायण तात्र राणे साहब हो जाएंगे। सर्बानंद सोनेवाल बच्चों इनके पास में आयुर्वेद मंत्रालय, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, ठीक है, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय। अच्छा, इसके बाद में देखो, इसके बाद में प्यारे बच्चों इन मेन तो बच्चों यहां से याद रखना कि आयुष मंत्रालय इनके पास में, ठीक है। अच्छा, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी का उद्घाटन हैदराबाद में, या फिर इसकी आधारशिला जो है हैदराबाद में किसके द्वारा रखी गई प्यारे बच्चों, वो केंद्रीय आयुष मंत्रालय सर्बानंद जो आपके मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल के पास, ठीक है। तो इन्होंने प्यारे बच्चों क्या रखी थी, इसकी आधारशिला रखी थी, ठीक है, हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन आपको याद रखना कि हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी इसका जो है आधारशिला हैदराबाद में किसने रखी प्यारे बच्चों, सर्बानंद सोनेवाल, जो कि आपके केंद्रीय आयुष मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्यारे बच्चों आगे की तरफ, आगे देखते हैं बच्चों क्या रहेगा। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, देखो मुख्तार अब्बास नकवी बच्चों इनके पास में कौन सा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, ठीक है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किसके पास में हो जाएगा, मुख्तार अब्बास नकवी के पास में हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनके पास में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है बच्चों, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हो जाएगा प्यारे बच्चों, कौन हो जाएगा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद में आता है गिरिराज सिंह। अब गिरिराज सिंह के पास में कौन सा मंत्रालय है, तो गिरिराज सिंह के पास में बच्चों मंत्रालय होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्री, कौन सा बच्चों, ग्रामीण विकास मंत्रालय और प्राचीन सॉरी पंचायती राज मंत्री कौन है बच्चों, ये गिरिराज सिंह हो जाएंगे। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया,
ज्योतिरादित्य एम सिंधिया बच्चों नागरिक उड्डयन मंत्री या फिर नागरिक विमानन मंत्री, ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्री या फिर नागरिक विमानन मंत्री जो है वो कौन है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। अच्छा, रामचंद्र प्रसाद के पास में कौन सा बच्चों, इस्पात मंत्रालय, ठीक है, इस्पात मंत्री कौन होंगे, रामचंद्र प्रसाद। अश्वनी वैष्णव रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय बच्चों, क्या अश्वनी वैष्णव प्यारे बच्चों इनके पास याद रखना रेल मंत्रालय, कौन सा मेन तो है प्यारे बच्चों, कौन सा रेल मंत्रालय, ठीक है, मेन कौन सा हो जाए प्यारे बच्चों, रेल मंत्रालय। तो अश्वनी वैष्णव प्यारे बच्चों याद रखना रेल मंत्रालय इनके पास, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास में रहेंगे प्यारे बच्चों, अश्वनी वैष्णव के पास, ठीक है। तो गिरिराज सिंह के पास में कौन सा बच्चों, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय दोनों इसके पास में रहेंगे। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इनके पास में कौन सा मंत्रालय मेरे प्यारे बच्चों, इनके पास में नागरिक विमानन मंत्रालय, कौन सा, नागरिक विमानन यानी कि नागरिक उड्डयन भी लिखा होता, ठीक है, मंत्री ये मंत्रालय है। रामचंद्र प्रसाद इनके पास में प्यारे बच्चों इस्पात मंत्रालय, कौन सा, इस्पात मंत्रालय। अश्वनी वैष्णव इनके पास में बच्चों कौन सा, रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय और कौन सा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, किनके पास रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना ये अश्वनी वैष्णव के पास रहेगा, ठीक है। देखो बच्चों आगे आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों आगे क्या क्या क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं, ठीक है। तो याद रखना अश्वनी वैष्णव प्यारे बच्चों इनके पास में कौन सा है, रेल मंत्रालय, मेन कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, रेल मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां देखो प्यारे बच्चों, यहां देखिए कि आपका पशुपति कुमार पारस इनके पास में कौन सा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है बच्चों आपके पास, पशुपति कुमार पारस। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री बच्चों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय किसके पास में प्यारे बच्चों, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में, ठीक है। किरण रिजिजू कानून एवं न्याय मंत्री, किरण रिजिजू प्यारे बच्चों क्या है, कानून एवं न्याय मंत्रालय, ठीक है। अच्छा, राजकुमार सिंह के पास में कौन सा प्यारे बच्चों, बिजली मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी किसके पास में प्यारे बच्चों, याद रखना राजकुमार सिंह। पशुपति कुमार पारस के पास में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है बच्चों, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में जल शक्ति मंत्रालय है, किरण रिजिजू के पास में कानून एवं न्याय मंत्रालय हो जाएगा, राजकुमार सिंह के पास में प्यारे बच्चों कौन सा है, बिजली नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है, बिजली नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसके पास में हो जाएगा प्यारे बच्चों, राजकुमार सिंह के पास में हो जाएगा, ठीक है, किसके पास में, राजकुमार सिंह के पास में। इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी के पास में कौन सा मंत्रालय है, तो इनके पास में प्यारे बच्चों पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी के पास में कौन कौन से मंत्रालय हो जाएंगे प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, किसके पास में प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हरदीप सिंह पुनिया, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी सॉरी। अच्छा, उसके बाद में देखो बच्चों मनसुख मंडाविया, देखो ये आ गया मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय बच्चों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, किसके पास में बच्चों, ये मनसुख मंडाविया के पास में, ठीक है मेरे बच्चों, किसके पास में, ये मनसुख मंडाविया के पास में हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है। इसके बाद में देखते हैं बच्चों आगे। अच्छा, यहां से देखो हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी के पास में कौन सा मंत्रालय हो जाएगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई, आपका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री किसके पास में, जो हरदीप सिंह पुरी के पास में, मनसुख मंडाविया के पास में जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्री, ठीक है। पहले कौन थे, एच डीवी सदानंद देवगौड़ा, है ना, डीवी सदानंद गौड़ा, ठीक है, पहले कौन थे बच्चों, डीवी सदानंद गौड़ा थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे कौन है, मनसुख मंडाविया, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए याद कर लोगे ना, मनसुख मंडाविया के पास में स्वास्थ्य मंत्रालय भी है और क्या है बच्चों, और कौन सा मंत्रालय है बच्चों, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ठीक है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में देखो भूपेंद्र यादव इनके पास में जो पर्यावरण मंत्रालय हो जाएगा, कौन सा, पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्री, ये वाला इंपॉर्टेंट है, श्रम एवं रोजगार मंत्री बच्चों किसके पास में, भूपेंद्र यादव के पास में। पर्यावरण मंत्रालय भी किसके पास में प्यारे बच्चों, भूपेंद्र यादव के पास में, ठीक है। वन एवं जलवायु परिवर्तन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी किसके पास में होगा प्यारे बच्चों, तो याद रखना ये भी तुम्हारा किसके पास में हो जाएगा, भूपेंद्र
भूपेंद्र यादव के पास में हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, रोजगार मंत्रालय, अब रोजगार मंत्रालय किसके पास में, पहले बच्चों ये रोजगार मंत्रालय बच्चों भूपेंद्र यादव के पास, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ठीक है। पर्यावरण मंत्रालय भी इसी के पास, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी किसके पास में हो जाएगा, भूपेंद्र यादव के पास में। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इनके पास में कौन सा बच्चों, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री, ठीक है। यानी कि भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय किसके पास में है बच्चों, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पास में। पुरुषोत्तम रूपाला के पास बच्चों पशुपालन डायरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय, ठीक है। पशुपालन डायरी और मत्स्य पालन मंत्रालय किसके पास में पहले बच्चों, पुरुषोत्तम रूपाला के पास में हो जाएगा ना। भूपेंद्र यादव के पास में कौन सा, पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं बच्चों कौन सा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हो जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किसके पास में होगा, ये तीनों के तीनों भूपेंद्र यादव के पास में हो जाएंगे। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पास में बच्चों भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय किसके पास में हो जाए, आपके डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। अच्छा, पुरुषोत्तम रूपाला के पास में पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय किसके पास में हो जाएगा, पुरुषोत्तम रूपाला के पास में, ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला के पास में। चलिए आगे देखो प्यारे बच्चों, आगे क्या क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे लिए, यहां तक हो जाएगा ना बच्चों। जी किशन रेड्डी के पास में कौन सा मंत्रालय बच्चों, इनके पास में संस्कृति पर्यटन, आप जी संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, ठीक है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय प्यारे बच्चों किसके पास में होगा, जी किशन रेड्डी के पास में, ठीक है। जी किशन रेड्डी के पास संस्कृति, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय किसके पास में होगा, जी किशन रेड्डी के पास में, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है, आगे क्वेश्चन बच्चों अनुराग सिंह ठाकुर बच्चों इनके पास में कौन सा मंत्रालय, तो अनुराग सिंह ठाकुर के पास में प्यारे बच्चों कौन सा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास में है, अनुराग ठाकुर के पास में। युवा कार्य एवं वन मंत्रालय किसके पास में होगा बच्चों, अनुराग ठाकुर के पास में होगा, ठीक है। तो ये थे प्यारे बच्चों क्या आपके मंत्रिमंडल, ठीक है, क्या थे प्यारे बच्चों, मंत्रिमंडल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल थे प्यारे बच्चों, जो आपको मैंने सारे के सारे यहां पर बता दिए। तो एक बार जल्दी से मैं ये पूरा का पूरा रिवाइज करवा देता हूं। नरेंद्र मोदी बच्चों क्या रहेंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अमित शाह के पास बच्चों कौन सा हो जाएगा, गृह मंत्रालय, ठीक है। सहकारिता पत्रता मंत्रालय भी इन्हीं के पास में। राजनाथ सिंह बच्चों क्या हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय, लेकिन पूर्व गृह मंत्री ये थे। नितिन जयराम गढ़े बच्चों सड़क परिवहन एवं राजकर मंत्री हो जाएंगे। निर्मला सीतारमन बच्चों पहले रक्षा मंत्री, अब लेकिन कौन सी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय इनके पास में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मनसुख मंडाविया आ जाएगा बच्चों, कौन सा, मनसुख मंडाविया, इनके पास में स्वास्थ्य मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय इन्हीं के पास में है। डीवी सदानंद गौड़ा जो है पहले बच्चों ये नहीं होगा, बल्कि मनसुख मंडाविया नाम आएगा, ठीक कर लेना इसको। नरेंद्र सिंह तोमर बच्चों कृषि एवं पशुपालन मंत्रालय किसके पास में हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर के पास में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सुब्रमण्यम जयशंकर बच्चों इनके पास में कौन सा, विदेश मंत्रालय हो जाएगा। श्री अर्जुन मुंडा बच्चों जनजातीय कार्य मंत्रालय इनके पास में हो जाएगा, ठीक है। स्मृति ईरानी के पास बच्चों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा। पीयूष गोयल वाणिज्यिक एवं उद्योग उपभोग खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं कपड़ा मंत्रालय इनके पास में हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय, मेन कौन सा बच्चों, शिक्षा मंत्रालय मेन है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भी किसके पास, धर्मेंद्र प्रधान के पास में। प्रहलाद जोशी इनके पास में प्यारे बच्चों संसदीय कोयला एवं खान मंत्रालय हो जाएगा। नारायण तात्र राणे इनके पास में सूक्ष्म जल एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय हो जाएगा। सर्वानंद सोनोवाल इनके पास में बच्चों आयुर्वेद एवं योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा मसाल जो आपका क्या हो जाए बच्चों, मंत्रालय, ठीक है। आयुष मंत्रालय बच्चों याद रखना मेन है आयुष मंत्रालय, सर्वानंद सोनोवाल के पास में। इंटरनेशनल हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी का जो आधारशिला है वो सर्वानंद सोनोवाल, जो कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय है, इनके द्वारा कहां पर रखी गई बच्चों, हैदराबाद में रखी गई थी, ठीक है। कहां पर, हैदराबाद के अंदर। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इनके पास में हो जाएगा। वीरेंद्र कुमार के पास में जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय हो जाएगा। गिरिराज सिंह बच्चों ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय इनके पास में। ज्योति राज एम सिंधिया नागरिक उड्डयन विमानन या फिर नागरिक विमानन मंत्रालय इनके पास में हो जाएगा। रामचंद्र प्रसाद इस्पात मंत्रालय इनके पास में। अश्विनी वैष्णव बच्चों रेल मंत्रालय, संचार इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास में होगा, अश्विनी वैष्णव। पशुपति कुमार पार्श खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनके पास में। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हो जाएगा। किरण रिजिजू कानून कानून एवं न्याय मंत्री हो जाएगा। राजकुमार सिंह बिजली नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हो जाएगा। हरदीप सिंह पुरी बच्चों पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय इनके पास में। मनसुख मंडाविया इनके पास में कौन सा हो जाएगा, पहले बच्चों याद रखना इनके पास में स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय। और इनके पास में कौन सा हो जाएगा पहले बच्चों, परिवार कल्याण, ठीक है, और बच्चों क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी कौन है पहले बच्चों, ये मनसुख मंडाविया हो जाएगा। आगे देखो बच्चों, भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी किसके पास में, भूपेंद्र यादव। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है बच्चों, महेंद्र नाथ पांडे के पास में। पुरुषोत्तम रूपाला पशुपालन डायरी एवं मत्स्य पालन मंत्री इसके पास में हो जाएगा, ठीक है, मंत्रालय। जी किशन रेड्डी संस्कृति पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के पास में। अनुराग ठाकुर बच्चों, अनुराग ठाकुर के पास में कौन सा है, सूचना एवं प्रसारण युवा कार्य एवं वन मंत्री बच्चों कौन हो जाएंगे, अनुराग ठाकुर के पास में हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, पहले बच्चों आगे क्या क्या क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं, तो दो तीन बच्चों आपके राज्य मंत्री है बच्चों स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, कौन से राज्य मंत्री बच्चों जिनके पास में स्वतंत्र प्रभार है, राज्य मंत्री बच्चों कौन से स्वतंत्र प्रभार वाले, तो ये दो नाम मैं प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हो जाएंगे। प्यारे बच्चों देखो राज्य स्वतंत्र मंत्री प्यारे बच्चों इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय किसके पास में बच्चों, राव इंद्रजीत सिंह, कौन है प्यारे बच्चों, राव इंद्रजीत सिंह इनके पास में प्यारे बच्चों क्या है, स्वतंत्र प्रभार है राव इंद्रजीत सिंह। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय, कार्यक्रम मंत्रालय, योजना मंत्रालय, ठीक है, कौन सा प्यारे बच्चों, योजना मंत्रालय, तो योजना मंत्रालय, तो इन दोनों के प्यारे बच्चों स्वतंत्र प्रभार किसके पास में है, वो राव इंद्रजीत के पास है, ठीक है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बच्चों कौन है, राव इंद्रजीत सिंह है, जिनके पास में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय योजना मंत्रालय प्यारे बच्चों दोनों हो जाएंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों क्या है, कॉरपोरेट मंत्रालय, कॉरपोरेट मंत्रालय के राज्य मंत्री, कॉरपोरेट मंत्रालय के राज्य मंत्री, ठीक है, तो इन सब के राज्य मंत्री कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, इन सब के राज्य मंत्री होंगे राव इंद्रजीत सिंह, जिनके पास में ये सब क्या है बच्चों, स्वतंत्र प्रभार है, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, स्वतंत्र प्रभार इनके पास में रहने वाला, ठीक है। आगे बच्चों डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन से हो जाएंगे प्यारे बच्चों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनके पास में कौन कौन से मंत्रालय जो स्वतंत्र प्रभार है के, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री हो जाएंगे, लेकिन इनके पास में कौन कौन से ऐसे है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये भी किन के पास में प्यारे बच्चों, ये भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास में हो जाएगा, ठीक है, किसके पास में हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास में, ठीक है। अच्छा परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, पेंशन विभाग, कौन सा प्यारे बच्चों, पेंशन विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कौन सा प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष विभाग, कौन सा हो जाए प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष विभाग। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, ठीक है, कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, इन सभी का जो आंसर रहेगा, तो याद रखना प्यारे बच्चों इन सभी का आंसर कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो इनके पास में ये सभी के सभी प्यारे बच्चों स्वतंत्र प्रभार के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार है प्यारे बच्चों इन सभी मंत्रालयों का, किसके पास में, जितेंद्र सिंह के पास में, ये केंद्रीय राज्य मंत्री भी है, ठीक है। तो राव इंद्रजीत सिंह प्यारे बच्चों इनके पास में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय, ठीक है, योजना मंत्रालय, कॉरपोरेट मंत्रालय, इनके पास में डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग,
पेंशन विभाग, अंतरिक्ष विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय में बच्चों राज्य मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनके पास में ये सारे के सारे जो है वो स्वतंत्र प्रभार है बच्चों। क्या है? स्वतंत्र प्रभार हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये थे क्या आपके महत्वपूर्ण जितने भी आपके मंत्री थे या जिनके पास में मंत्रालय थे प्यारे बच्चों, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है। कुछ एक राज्य मंत्रियों के नाम भी प्यारे बच्चों हम लोग कर लेते हैं, जहां से प्यारे बच्चों क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं, ठीक है। कुछ एक राज्य मंत्रियों के भी हम लोग प्यारे बच्चों कर लेते हैं क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन हमारा बन सकता है, ठीक है। चलिए देखो आगे, देखो प्यारे बच्चों यहां पे बच्चों हेडिंग बना लो राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री कौन कौन से प्यारे बच्चों, जहां से तुम्हारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन पूछा कि बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग राज्य मंत्री कौन है, श्रीमद येसो नाइक, श्रीपद येसो नाइक, ठीक है, श्रीपद येसो नाइक, ठीक है। इनके पास में कौन सा बच्चों, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग, जलमार्ग के राज्य मंत्री कौन है प्यारे बच्चों, याद रखना जलमार्ग के राज्य मंत्री कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बच्चों श्रीपद येसो नाइक। कौन है बच्चों, श्रीपद येसो नाइक हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है, फगन सिंह कुलसते, फगन सिंह कुलसते, फगन सिंह बच्चों कुलसते क्या हो जाएगा, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री हो जाएंगे, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन हो जाएंगे, फगन सिंह कुलसते, ठीक है। आगे देखो बच्चों, आगे प्रहलाद सिंह पटेल, इनके पास में क्या कौन सा मंत्रालय में राज्य मंत्री बच्चों, जल शक्ति मंत्रालय में, ठीक है, प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल, तो इनके पास में कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखना इनके पास में हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय में, जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री हो जाएंगे, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री हो जाएंगे, कौन प्यारे बच्चों, तो याद रखना प्रहलाद सिंह पटेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखो बच्चों, आगे क्या, अश्विनी कुमार चौबे, अश्विनी कुमार चौबे बच्चों क्या हो जाएगा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री, ठीक है, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री, मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, याद रखना अश्विनी कुमार चौबे कौन है प्यारे बच्चों, यहां पे लिख देता हूं मैं अश्विनी कुमार चौबे, ठीक है, अश्विनी कुमार चौबे हो जाएगा, जो कि तुम्हारे क्या रहेंगे, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखो, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल, कौन है प्यारे बच्चों, अर्जुन राम मेघवाल, कौन है प्यारे बच्चों, संसदीय कार्य में, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है प्यारे बच्चों, याद रखना अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल हो जाएंगे। आगे देखो बच्चों, आगे क्वेश्चन पूछा है रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है, दानवे राव साहब, दानवे राव साहब रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, ठीक है, रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, ठीक है, कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, याद रखना ये हो जाएंगे कौन, दानवे राव साहब, ठीक है, दानवे राव साहब हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, शांतनु ठाकुर के पास में कौन सा मंत्रालय है, तो बच्चे बच्चों याद रखना जहाजरानी और जलमार्ग जो बच्चों ये आपका मंत्रालय है ना, श्रीपद येसो नाइक के पास में, तो इनके साथ में बच्चों कौन है, शांतनु ठाकुर भी शामिल है, ठीक है, कौन है, शांतनु ठाकुर, शांतनु ठाकुर के पास, ठीक है, इनके साथ में शामिल है, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के साथ में, ठीक है। चलिए इसके बाद में प्यारे बच्चों क्या पूछा, इसके बाद में पूछा देवू सिंह चौहान, इनके पास में बच्चों कौन सा है, संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री, कौन बच्चों, देवू सिंह चौहान, देवू सिंह चौहान,
चौहान संचार मंत्रालय में, संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान। बच्चों संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन हो जाएगा? देवू सिंह चौहान साहब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखो प्यारे बच्चों। शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर सुभाष, डॉक्टर सुभाष प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा याद रखना, शिक्षा मंत्रालय में, ठीक है, डॉक्टर सुभाष शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है बच्चों? डॉक्टर सुभाष हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ एक बच्चों क्या प्रसिद्ध राज्य मंत्री है, ठीक है, जहां से तुम्हारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों पढ़ लेना ध्यान से। श्रीपद येसो नाइक के पास में कौन सा बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग के राज्य मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, फग्गन सिंह कुलसते इस पास मंत्रालय बच्चों क्या हो जाएंगे? राज्य मंत्री हो जाएंगे। प्रहलाद सिंह पटेल जल शक्ति मंत्रालय इनके पास में हो जाएगा। ठीक है, राज्य मंत्री है। अश्विनी कुमार चौबे वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री हो जाएंगे। अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हो जाएंगे। दानवे राव साहब रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री साहब हो जाएंगे। ठीक है, देबू सिंह चौहान संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री हो जाएंगे। डॉक्टर सुभाष शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये थे तुम्हारे कुछ एक मंत्रिमंडल जो मैंने आप सभी को करवा दिए है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, जो इंपोर्टेंट थे जहां से तुम्हारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनके कौन कौन से मंत्रालय थे प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे यहां पर मैंने आपको करवा दिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये सारी चीजें प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया है तो इस प्लेटफॉर्म को प्यारे बच्चों शेयर करना मत भूलिएगा, और भी बच्चों को इसके साथ जोड़िए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। एक लास्ट मैसेज आप सबके लिए ये होगा कि आप सभी प्यारे बच्चों पर्यावरण के अंदर भी थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू टू ऑल, टेक केयर गाइस, जय हिंद जय भारत।